नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के अगेंस्ट में कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, इस विषय पर अक्सर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर क्वेरीज आती रहती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर्टिकुलर विषय पर एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कशन करने जा रहा हूं कि F&O इनकम के अगेंस्ट में एक असेसी जिसके पास किसी प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम आती हो, कौन कौन से खर्चे क्लेम किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन खर्चों को डिटेल में, एक एक स्टेप के रूप में। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत में एक बात जरूर कहूंगा कि मैं यहां पर F&O की इनकम को बाय डिफॉल्ट बिजनेस की इनकम मान करके चल रहा हूं। अगर आप कैपिटल गेन की इनकम मान करके चलते हैं F&O की इनकम को, तो ऐसी परिस्थिति में यह वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आप F&O की इनकम को बिजनेस इनकम मानते हैं, तो अब मैं आपके सामने लिस्ट के रूप में कुछ खर्चे रखता हूं, जिससे आप ये समझ पाएं कि कौन से खर्चे F&O की इनकम के अगेंस्ट में दोस्तों डिडक्टेबल होंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि विच एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड इन F&O इनकम कंप्यूटेशन। से फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज ब्रोकरेज। क्या आपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू, चाहे जीरोदा के थ्रू या किसी भी और ब्रोकर के थ्रू काम किया, और वहां पर आपको पर ट्रांजेक्शन एक मिनिमम ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो वो ब्रोकरेज आपके लिए F&O की इनकम कंप्यूटेशन में खर्चे के रूप में अलाउड होगा। इसी ब्रोकरेज पर दोस्तों अगर कोई जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है, तो वो जीएसटी भी आपके लिए एक अलाउबल एक्सपेंडिचर है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी अप्लाई करती है, तो वो स्टैंप ड्यूटी भी सर आपके लिए एप्लीकेबल एक्सपेंडिचर होगा F&O इनकम कंप्यूटेशन में। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर वो एप्लीकेबल है एज पर रूल ऑन परचेज और सेल ऑफ रिलेवेंट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन यानी F&O ट्रांजैक्शन, तो वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का भी आपका जो भुगतान आपने किया है, परचेज के समय किया है तो आपकी कॉस्ट में जुड़ेगा, सेल के समय किया है तो आपके नेट कंप्यूटेशन में, सेल कंसीडरेशन के कंप्यूटेशन में घटेगा। तो STT भी जब आप F&O को बिजनेस इनकम के रूप में ऑफर कर रहे हैं, आपको एक अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउड होगा। कुछ और जो खर्चों की लिस्ट है मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, इंटरेस्ट इनकर्ड। आप कहेंगे भटिया जी, इंटरेस्ट की बात यहां कैसे आई? मान लीजिए सर, मैंने 4 लाख रुपए मार्केट से बोरो किया, किसी पर्टिकुलर मित्र से बोरो किया, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, और उस 4 लाख रुपए से मैंने अपना F&O का काम शुरू किया। अब इस F&O की इनकम में मैंने जो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था कमाने के लिए, उस पर कुछ इंटरेस्ट का भुगतान किया हो सकता है। ये इंटरेस्ट निश्चित रूप से मेरे F&O की इनकम के कंप्यूटेशन में घटाने योग्य अमाउंट होगा। साथ ही बहुत सी बार हम किसी न किसी कंसल्टेंट की सलाह से F&O का काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है मुझे उस ऐप के लिए या उस कंसल्टेंट के लिए जिसके थ्रू मुझे F&O की टिप्स मिलती हैं, मुझे कुछ कंसल्टेंसी फीस का भुगतान करना पड़ा। ये कंसल्टेंसी फीस भी एक प्रकार से अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर करना है। हमने किसी से तय कर लिया कि भाई आप मुझे बता देना मुझे कौन सा फ्यूचर या ऑप्शन में डील करना है, और मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको दे दूंगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से मैं कोई डीलिंग कर रहा हूं, तो इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट पर मैं ये मानता हूं कि प्रॉफिट के शेयरिंग का डिडक्शन क्लेम करना मुश्किल है। इसकी जगह आप सामने वाले को कंसल्टेंसी फीस का अगर भुगतान करते हैं, तो डिडक्शन के क्लेमेबल होने की संभावना ज्यादा है। तो आप उसे प्रॉफिट शेयरिंग का नाम देने की जगह कंसल्टेंसी फीस का नाम दें, तो डिडक्शन मिलने की संभावना ज्यादा है। कोई जने मुझसे ये भी बोलते हैं या असेसीज मुझसे ये भी कहते हैं कि भटिया जी, मैं जिस जगह किराए पर रहता हूं और या मैंने कोई किराए पर ऑफिस लिया और वहां से ही मैं डेडिकेटेडली F&O का काम करता हूं, तो क्या मैं रेंट का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता? मेरा प्राइम ऑफ ऐसा ही आंसर है सर। अगर आपने F&O का काम करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस चुना, से बिजनेस प्रिमाइस चुना और वहां से F&O का काम किया, तो आप रेंट का डिडक्शन जरूर लें। पर बहुत से लोग F&O का काम एक लैपटॉप से कर लेते हैं, और वो लैपटॉप हो सकता है उनके वर्क फ्रॉम होम में, घर पर ही काम में आ रहा है, और उसी से वो F&O का काम भी कर रहे हैं। तो सर, ऐसे रेजिडेंशियल प्रिमाइजेस जिसमें आप स्वयं रहते हैं, उसके रेंट का डिडक्शन क्लेम करना यहां एडवाइजेबल नहीं है। मेरी लिस्ट में दोस्तों और भी कुछ खर्चे हैं, आपके सामने रखता हूं। जैसे कोई मुझसे कहते हैं कि भटिया जी, मैंने तो सैलरी के नाम पर मैं खर्चे क्लेम कर लूं F&O से,
मैं उनको बोलूंगा कि सर मना तो नहीं है, पर आप सिद्ध कैसे करेंगे कि आपने एफएनडो का काम करने के लिए एक सैलरीड पेड पर्सन रखा? या तो आप उस सैलरीड पेड पर्सन से एफएनडो का काम करा रहे हैं तो निश्चित रूप से स्टाफ सैलरी अलाउड, पर एफएनडो का काम तो आप खुद कर रहे हैं, और आप एफएनडो के काम के संदर्भ में कह रहे हैं कि साहब मैंने एक एम्प्लॉय भी रखा जो मुझे हेल्प करता है, आप प्रूव कर सकते हैं तो मैं इस सैलरी का डिडक्शन ले सकता हूं। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर सकते सर कि ये स्टाफ कैसे आपके एफएनडो के काम में उसको करने में काम आया, तो सर ऐसे डिडक्शन को क्लेम करने से बचना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। मान लीजिए आप एक लैपटॉप के थ्रू या कोई भी और कंप्यूटर के थ्रू, पीसी के थ्रू एफएनडो का काम करते हैं, और वो लैपटॉप आपका डेडिकेटेडली एफएनडो को काम करने में काम में आता है, तो इस लैपटॉप का डेप्रिसिएशन या मोबाइल का डेप्रिसिएशन आप निश्चित रूप से एफएनडो की इनकम की कैलकुलेशन में ले सकते हैं। ऑफिस रेंट पर मैंने ऑलरेडी बात आपसे कर ली, मैं यहां एक्सपेंसेस पर बोलूंगा कि अदर एक्सपेंसेस अगर कोई हैं, से आप कहते हैं कि मैं एक बिजनेस प्रीमाइजेस लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे को एफएनडो के काम में कई बार मैं लोगों से मीटिंग करता हूं, उनको अटेंड करता हूं, मुझे उन्हें चाय कॉफी पिलानी होती है, कभी उन्हें नाश्ता भी कराना होता है, या इस प्रकार के और भी कोई खर्चे जिन्हें मैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस की कैटेगरी में शामिल करूं कि मेरे ऑफिस का बिजली का कोई खर्चा, पानी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, या प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा भी एफएनडो के व्यापार से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये खर्चे आपके जेन्युइन हैं दोस्तों, 100% यू कैन क्लेम ऑल दीज एक्सपेंडिचर इन फाइलिंग योर एफएनडो रिलेटेड इनकम इन पीजीबीपी इनकम कैटेगरी। अगर ये खर्चे आपके पास जेन्युइनली हैं तो आप ये खर्चे निश्चित रूप से क्लेम कर सकते हैं। और मेरा आपको एक सजेशन यहां जरूर होगा कि आपके चार्टर अकाउंटेंट आपको और प्रिसाइज राय दे सकते हैं कि किस प्रकार एफएनडो इनकम की कैलकुलेशन में आप इन खर्चों का डिडक्शन ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ यहां लेता हूं, कैन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A बी क्लेम्ड अगेंस्ट एफएनडो इनकम? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एफएनडो की इनकम को बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यानी बिजनेस इनकम हेड में लिया है, तो बहुत जेन्युइन है कि डिस्कशन आए कि सर क्या इस इनकम के अगेंस्ट ATC, ATD, ATE, ATG, डोनेशन जैसे खर्चों का डिडक्शन लिया जा सकता है? मेरा कहना है सर हाँ, क्यों नहीं। एफएनडो की इनकम को अगर आप बिजनेस इनकम के रूप में ऑफर करते हैं तो ये इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा है। अगर इस इनकम में से आपने कोई LIC के पेमेंट किए, ELSS के भुगतान किए, स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान किए, मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट किया, या आपने कोई एजुकेशन लोन अथवा डोनेशंस के कंट्रीब्यूशन किए, तो आप निश्चित रूप से उन सारे खर्चों का डिडक्शन एफएनडो की इनकम के अगेंस्ट में चैप्टर 6A के डिडक्शंस के रूप में ले सकते हैं, ऐसी मेरी स्पष्ट राय है। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि एफएनडो की इनकम के अगेंस्ट में जब आप उसे बिजनेस इनकम के रूप में ऑफर कर रहे हैं, कौन से डिडक्शन लिए जा सकते हैं, हालांकि आप में से बहुत सारों को ये नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक स्पष्ट सारगर्भित राय मैं लास्ट में यह देना चाहूंगा कि अगर आप जेन्युइनली इन खर्चों को उठा रहे हैं, इफ यू आर इनकरिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस जेन्युइनली, यू मस्ट क्लेम दीज एक्सपेंसेस इन फाइलिंग योर ITR व्हेन यू आर ऑफरिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन ऑफ योर एफएनडो ट्रांजेक्शन। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, यू मे फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।